हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित वर्मा और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बैलेंसिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो सब्जेक्ट है वो है थ्योरी ऑफ मशीन्स, उसके अंडर आता है ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक। तो सबसे पहले बैलेंसिंग का हमें ज़रूरत क्या पड़ी, बैलेंसिंग होता क्या है, ठीक है। उससे पहले पढ़ते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है ना, अनबैलेंस्ड फोर्स रोटरी एज वेल एज रेसिप्रोकेटिंग मोशन दोनों में हो सकता है, ठीक है। कोई रोटेशनल मोशन हो रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, या हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, ठीक है। इन दोनों केसेस में आपका अनबैलेंस्ड फोर्सेस प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अनबैलेंस्ड फोर्स होता किसके कारण है, इनर्शिया के कारण होता है, ठीक है। जो भी इनर्शिया है, इनर्शियल फोर्स भी बोलते हैं इसको। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंसिंग पता क्या है, बैलेंसिंग इस टाइप का डिजाइन है और इस तरह की एनालिसिस हमें करनी है कि ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स को हमको बैलेंस करना है, ठीक है। जैसे कोई ये रोटेशन मोशन होता है, इसके अंदर की साइड सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन लगता है और बाहर की साइड सेंट्रीफ्यूगल एक्सिलरेशन लगता है, या कह सकते हैं अंदर की साइड सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और बाहर की साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसे कहते हैं बैलेंस होना एक तरह से, ठीक है। तभी तो बॉडी बैलेंस रहेगी, ठीक है। तो अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल लें, ये कोई शाफ्ट थी हमारी, ठीक है, जो कि रोटेट कर रही है ओमेगा स्पीड से, ठीक है। एक इसमें ये मास इस तरह से हैंग्ड है, मास एम है और ये रेडियस आर है, ठीक है। इसका जो ये रेडियस है कितना है, आर है। तो बाहर की साइड एक फोर्स लगता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है, एक तरह का अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है इस मास के कारण। अभी इनर्शियल फोर्स मीन्स, इनर्शिया मीन्स मास होता है, ठीक है। तो इस फोर्स को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। एक और रीजन मैं आपको बताऊं इसमें, कि ये रोटर है हमारी, ये रोटर है और ये शाफ्ट है, ठीक है। अगर अगर रोटर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और शाफ्ट की जो ये एक्सिस है ये सेम लाइन पे है, ये रोटर का क्या है, सीजी है, तब तो कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स इसमें होगा नहीं। अगर अगर ये रोटर का सीजी थोड़ा सा नीचे इधर हो या इधर हो, कहीं भी हो, और बीच में ये इसेंट्रिसिटी कितनी हो, ई हो, ये इसेंट्रिसिटी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। अगर ये कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो बाहर की साइड इस बार भी कुछ फोर्स लगेगा जो कि जी पॉइंट के बाहर को लगेगा, एम ई ओमेगा स्क्वायर। ई क्या है, इसेंट्रिसिटी है, ठीक है। अगर ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इसेंट्रिसिटी की वजह से, ठीक है, या बाहर की साइड जिस तरह से ये मास निकल रहा है इसमें, इसके एक्सिस से अलावा, देखो ये इसकी एक्सिस है, इसके अलावा कोई मास इसमें हैंग्ड है, एक और मास भी हो सकता है। तो इन अनबैलेंस्ड मासेस को हमने एक बैलेंस फोर मास लगा के कुछ रेडियस पे, ठीक है, कुछ भी रेडियस पे लगा के इनको मास को इस तरह से अटैच करना है हमने सिस्टम में कि ये जो नेट फोर्स है उसमें जीरो रहे, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स इसमें ना रहे, ठीक है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, हम बैलेंसिंग कहते हैं। तो बैलेंसिंग का आपको आइडिया हो गया होगा कि अनबैलेंस्ड फोर्स को हमें घटाना है, रिड्यूस करना है, या क्या होगी, एलिमिनेट कर देना है कम्प्लीटली, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक बैलेंस्ड मासेज लगाते हैं, ठीक है, और वो कहीं भी लग सकते हैं, किसी भी एंगल पे लग सकता है, क्योंकि वो इस टाइप का अरेंजमेंट हम करेंगे कि नेट फोर्स उसमें क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। दो टाइप की हम बैलेंसिंग करेंगे, एक स्टैटिक बैलेंसिंग करेंगे जिसमें हम नेट फोर्स को जीरो करेंगे, और एक करेंगे डायनेमिक बैलेंसिंग जिसमें कि जो फोर्सेस हो, जो मासेस होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे होंगे, उनका जो प्लेन होगा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो बैलेंसिंग है, अब बैलेंसिंग कहाँ कहाँ होती है, जैसे ये अभी रोटर मैंने बताया, तो स्टीम टर्बाइन का भी रोटर हो सकता है, इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट है उसमें भी हो सकता है, ठीक है। कंप्रेसर्स हो सकते हैं, पंप्स हो सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हो सकते हैं, ठीक है, सेम ही फिनोमिना, वो भी रोटेट करते हैं। अगर उसमें कुछ इसेंट्रिसिटी होगी तो ये क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स उसमें प्रोड्यूस होगा। तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वाइब्रेशंस डेवलप होती हैं, नॉइज डेवलप होती है,
ठीक है, और मशीन के लिए भी सही नहीं है उसकी फाउंडेशन पे, क्योंकि उसकी फाउंडेशन पे क्या होगा, वाइब्रेशंस होंगी और कुछ दिन बाद ये खराब हो जाएगी मशीन। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं डेट्रीमेंटल इफेक्ट है इसके। ठीक है, आपको बैलेंसिंग का बेसिक आइडिया मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि कैसे बैलेंसिंग हमें करनी पड़ती है और अनबैलेंस फोर्स कैसे डेवलप होते हैं। इनर्शिया फोर्स की वजह से कुछ मास होता है इसका, अगर मास ही ना हो तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से वाइब्रेशंस डेवलप होती हैं। ठीक है, और जो वाइब्रेशंस होती हैं काफ़ी मतलब रिस्की होती हैं मशीन्स के लिए। ठीक है, तो यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और जो फोर्स्ड वाइब्रेशंस में आता है ये सब चीज़। ठीक है, फोर्स्ड वाइब्रेशंस में, तो इसमें और देखेंगे आगे की चीज़ें। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग में क्या होता है। स्टैटिक बैलेंसिंग, देखो यार, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जितने में हमारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं, पिछले साल में जो क्वेश्चंस आए वो हम कर लें। बहुत ही ज़्यादा ज्ञान भी हमें नहीं अर्जित करना है यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्स के हिसाब से पढ़ना, टाइम बहुत कम रह गया है। ठीक है, अब मैं बिल्कुल आपको अलग अलग बुक से, 5-6 बुकों से मैं पढ़ाऊँ और 15 लेक्चर बैलेंसिंग पे लगा दूँ तो वो भी सही नहीं रहेगा। तो मैंने इस हिसाब से लेक्चर डिज़ाइन करने, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको ही पढ़ना है जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि हम रट रहे हैं चीज़ों को, जो पढ़ेंगे उसको कंसेप्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक बैलेंसिंग में देखिए क्या है। स्टैटिक बैलेंसिंग, अगर ये जो मासेस हैं हमारे, मास जो है, जो जैसे कि अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, स्टैटिक बैलेंस्ड होगा कैसे। स्टैटिक बैलेंस में हम क्या करेंगे, नेट फोर्स जो होगा सिस्टम पे उसको क्या करेंगे, जीरो करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या करेंगे, नेट फोर्स क्या रहेगा इसमें, जीरो रहेगा, या कह सकते हैं कि जो कंबाइंड है ना, कंबाइंड मास आएगा हमारा, जैसे कि ये अलग मास लग रहा है, ये अलग मास लग रहा है, ये अलग मास लग रहा है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट मासेस हैं, मान लेते हैं M1, M2, M3। ठीक है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट मासेस हैं हमारे, ये सेम प्लेन पे लाई करते हैं। किस पे, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, और इनका जो सेंटर से, इनका जो रेडियस है वो अलग अलग है। R1 इसका डिस्टेंस है, R2 इसका जो रेडियस है, 3 है। और ये जो कॉमन, ये जो है एक एक तरह से, इस तरह से देखो मशीन, हम इसको बना लेते हैं, इसको इस तरह से, ये 3 मासेस मान लेते हो, कितने भी मासेस इसमें से हैंग हो सकते हैं। तो हमने क्या करना है, स्टैटिक बैलेंस सिस्टम को हम कैसे कर सकते हैं, जब इसमें हम नेट फोर्स कैसे करेंगे, जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो ये जो रोटर, ये क्या है एक तरह से, इसमें अगर ये शाफ्ट मान लेते हैं, यहां पर ये कोई रोटर लगा है, और ये कितनी स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। तो जो ये रोटर होगा स्टैटिकली बैलेंस्ड कब होगा, जब इसका फोर्स का वेक्टर सम क्या होगा, जीरो होगा। ये जो नेट फोर्स है, ये इसका जो वेक्टर सम क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अगर ये फोर्स जीरो नहीं है तो ये रोटर क्या है, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अगर अगर आपसे कोई कहे कि ये अनबैलेंस्ड है, अब मैंने बताया ये आपको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मासेज लग रहे हैं, तो फोर्सेस तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगेंगी ही, तो इस टाइम पे ये बैलेंस्ड नहीं है, इस टाइम पे ये बैलेंस्ड नहीं है। इसके लिए, इसको हमें बैलेंस्ड करने के लिए काउंटर वेट लगाना पड़ता है, उसको हम बैलेंस वेट भी बोलते हैं। क्या लगाना होता है हमें, काउंटर वेट। काउंटर वेट लगाएंगे, कुछ उसका पर्टिकुलर रेडियस होगा, मान लेते हैं हम कुछ उसका जो काउंटर वेट का MC से डिनोट कर देते हैं, और RC उसका रेडियस है, कितने डिस्टेंस पे आप उसको लगा रहे हैं। इस जब आप इस सिस्टम पे कुछ कुछ मास और कुछ रेडियस पे आप ये सिस्टम पे ये काउंटर वेट लगाएंगे, तो सिस्टम क्या होगा, स्टैटिकली बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, देखो नेट फोर्स इस केस में क्या होगा, अगर हम इसके लिए बात करें, इसके लिए इसमें कितना फोर्स लगेगा, पहले वेट के लिए नेट फोर्स क्या होगा, M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, दूसरे के लिए M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि सेम स्पीड से घूम रहे हो, तीसरे के लिए R3 ओमेगा स्क्वायर, यही तो नेट फोर्स होगा। तो ये हमने इसका वेक्टर सम लिख दिया, ये क्या है, एक तरह से वेक्टर सम है। अभी हम इसमें थीटा वगैरह नहीं देख रहे हैं,
ठीक है, बस एक तरह से हम देख रहे हैं कि ये फोर्स है, ये फोर्स है, इसका क्या है, F, इस तरह से भी लिख सकते हैं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इस तरह से हमने इसको सिंपली लिख दिया। अब ये बैलेंस्ड नहीं है, मैंने बताया आपको, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट मास लग रहा है, ठीक है, और कुछ इसेंट्रिसिटी है, रेडियस जितना लग रहा है, इसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया था कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स डेवलप होगा जिसकी वैल्यू होगी mr ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ये बैलेंस नहीं है ना, इसको हमें एक काउंटर वेट लगा के कुछ रेडियस पे जिसका वैल्यू rc, उस पे, तो वो क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा, mc rc ओमेगा स्क्वायर एक वेट ऐड करना पड़ेगा। और ये जो हम एडिशन कर रहे हैं कैसे वेक्टरली कर रहे हैं, ठीक है, ये कैसे ऐड कर रहे हैं वेक्टर, इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शंस भी हैं, ठीक है, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब ये जो वेट आया, ये हमने ये mc rc ओमेगा स्क्वायर जोड़ दिया, अब बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। अब ये सिस्टम क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, नेट फोर्स इसमें क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो भी देख लेते हैं क्या आएगी। तो इसमें जो है ओमेगा स्क्वायर क्या आया हमारी वैल्यू, m1 r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 ओमेगा स्क्वायर प्लस m3 r3 ओमेगा स्क्वायर प्लस mc rc ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो। ये हमने ये वेट यहां पर काउंटर वेट लगाया इस चीज को, सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। अब क्या है, ओमेगा स्क्वायर तो पूरे सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बचेगी हमारी, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस mc rc बराबर 0, ठीक है। तो ये कैसे हमने ऐड करा, ये वेक्टरली हमने इसको ऐड करा है, ठीक है। अब देखो, अभी हमने इसकी कोई थीटा की बात नहीं करी, अगर ये इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, समेशन mr, कितने भी मास सकते हैं, चौथा पांचवा छठा छह सात मास भी हो सकते हैं, तो समेशन mr लिख देते हैं प्लस mc rc बराबर 0, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो सिस्टम है, इस तरह से हमने इसको लिख दिया है, हमें ओमेगा स्क्वायर देखो यहां से कोई मतलब ही नहीं पड़ रहा क्योंकि वो कैंसल हो जा रही है, हमें किससे मतलब है, अगर ये हम बात करें, अगर इनके एंगल्स की बात करें, किसकी बात करें, एंगल्स की बात करें, तो अगर हम उसको एक्स डायरेक्शन में, अब ये फोर्स तो क्या है, ये तो एक तरह से फोर्स ही है ना, ये देखिए आप, एक तरह से फोर्स ही तो है ना, ये वेक्टर ही तो है, एक तरह का वेक्टर ही तो है ये सब, ओमेगा स्क्वायर ही तो कैंसल हुआ है। तो अगर हम इसको दो कंपोनेंट तोड़े, क्योंकि ये जो जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ये लग रहे थे, ये अगर मान लें ये रोटर था हमारा, ठीक है, ये तो वो एक्सिस थी, पहला जो लग रहा था ये M1 है, ठीक है, दूसरा ये M2 है, और इसका कोरस्पोंडिंग जो होगा वो उसके रेडियस कितना होगा, mr1 r2 r3 होगा, और ये क्या है M3 है, ठीक है। और ये रेडियस, ये एंगल कितना है, पहला θ1 है, और यहीं से एंगल लेंगे हम, θ2 है, और इसी एक्सिस से ये x है पॉजिटिव, और ये क्या है पॉजिटिव y है, और यहीं से ये जो तीसरे मास के लिए जो हम एंगल लेंगे वो भी यहीं से लेंगे जिसकी वैल्यू होगी थीटा, यहां से ले रहे हैं सब, ठीक है। अब देखो, इन्हीं दो फोर्सेस के ये जो हमारा सब वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई, इसके दो कंपोनेंट हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसका कंपोनेंट, इस वाले के कंपोनेंट क्या होंगे, कॉस थीटा, पहले कॉस वाले कंपोनेंट लेंगे, नेट फोर्स कॉस में बराबर जीरो, क्योंकि जब हमारे कोई फोर्स एफ ऐसे लगता है तो नेट फोर्स जैसे F1, ये F2 लगी है, ये F3 लगी है, तो समेशन Fx बराबर 0 और समेशन Fy बराबर 0, यही तो फंडा है। तो x डायरेक्शन में कितने फोर्स लगेंगे इसमें, समेशन mr cos θ प्लस mc rc cos θ बराबर 0, कोई रटने वाली चीज नहीं है, सिंपल है, x हमने x डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट तोड़ दिए। इसी तरीके से y डायरेक्शन में क्या आएगा, y डायरेक्शन में क्या होता है, साइन कंपोनेंट होता है, तो वो क्या होगा, समेशन mr sin θ प्लस mc rc sin θ बराबर 0, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये सब चीज क्वेश्चंस करने में काम आएगी, और ये प्रूफ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि
कि आपको पता तो लगेगा ना कैसे फोर्सेस रिजॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा यहां से हम एम सी आर सी कॉस थीटा और एम सी आर सी साइन थीटा निकाल लेते हैं। अच्छा निकालते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा निकालना है कितने एंगल पे हमने ये जो बैलेंस्ड मास है लगाना है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है एम सी का, और आर सी कितने डिस्टेंस पे लगाना है। तभी तो सिस्टम हम पता कर पाएंगे ना, सिस्टम इतना बैलेंस्ड है। अब ये तीन चार मासेस लगे हुए थे, अभी हमें एम सी और आर सी निकालना होगा। एम सी आर सी निकालने से क्या होगा, और हमें कुछ डिस्टेंस पता चल जाएगा उसका, यहाँ से सॉल्व करके मास भी पता चल जाएगा, और कितने एंगल पे लगाना है वो भी हमें क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो अब ये जो सिस्टम था, ये मास लग रहा था हमारा, इसके ही काउंटर बैलेंस पे हमने क्या लगाना था, एक क्या लगाना था, हमने एक काउंटर फोर्स लगाना था। ठीक है, क्या लगाना था, काउंटर मास लगाना था, काउंटर वेट लगाना था, ये जो ब्राउन स्केच से मैंने बनाया। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम लिखी एम सी, और ये डिस्टेंस कितना है आर सी। ठीक है, और इसका जो एंगल, हम सारे एंगल कहाँ से ले रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ले रहे हैं। इसका जो ये एंगल है आर सी, ये जो मास बना, ये मान लेते हैं कितना है, कितना एंगल बनाया हमने, थीटा सी। ये साथ साथ आप बनाते रहे तो बहुत भीड़ हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा सी। तो यहाँ पर ये जो फोर्स हमने रिजोल्व करेंगे इस मास को, क्योंकि इसका एंगल कितना है, थीटा सी है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा सी हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये थीटा सी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एंगल लग रहा है, इस काउंटर वेट का कितना लग रहा है, एम सी का, थीटा सी एंगल है। ठीक है, तो देखो तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एम सी आर सी कॉस थीटा सी, इस चीज को बराबर इधर को लिख देंगे, इसको माइनस समेशन एम आर कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप इसको समेशन खोलेंगे तो क्या आएगा, एम वन आर वन कॉस थीटा वन प्लस एम टू आर टू कॉस थीटा टू। देखो पहले वाले मास का एंगल थीटा वन है, दूसरे का थीटा टू है, तीसरे का थीटा थ्री है, और कहाँ से ले रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ले रहे हैं। और आप इसी तरीके को फॉलो करें, इजी है। ठीक है, और इस वाले केस में क्या आएगा, यहाँ से एम सी आर सी साइन थीटा सी इक्वल्स टू माइनस समेशन एम आर साइन थीटा। ठीक है, अगर हम अब इसको स्क्वायर करें और ऐड करें, क्या करें, स्क्वायर करें और ऐड करें, तो यहां पर क्या आएगा, ये वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर करके और ऐड करके क्या आएगा, आप इसको ऐड करें, स्क्वायर करें पहले, तो क्या आएगा, एम स्क्वायर आर सी स्क्वायर। ठीक है, ये तो स्क्वायर करेंगे और कॉमन लेंगे, करेंगे साइन थीटा सी स्क्वायर प्लस कोस थीटा सी स्क्वायर। क्या करना है, आपने थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है दोनों इक्वेशन का, और ऐड कर देना है। तो यहां पर क्या आएगा, आपने इसका स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस, जब आप स्क्वायर करोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा। और ये वैल्यू क्या, अब मैंने यहाँ अंडर रूट क्यों लगाया यहाँ, क्योंकि यहाँ से मैंने ये स्क्वायर हटा दिया। तो यहाँ से एम सी आर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करके, हमारी खुद भी सॉल्व करके देखें इसको, एम सी आर सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी ये कौन सा मेथड है, एनालिटिकल मेथड है। ठीक है, ये एम सी आर सी की वैल्यू आ गई हमारी। अगर यही सेम चीज में आपको, अब ये हमें यहां से एम और आर की वैल्यू पता लग गई। ठीक है, अगर आप यहां से पूछेंगे ये कितने एंगल पे भी लग रही है, यानी कि थीटा सी की वैल्यू, ये जो एंगल है पूरा, ये कितने एंगल पे आपने मास लगाया फ्रॉम पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू भी तो निकालनी है। तो अगर हम फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कर दें, फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दें, यानी कि इसको ऊपर लिखें इसको नीचे, तो ये एम सी आर सी कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, टेन थीटा सी बचेगा। तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा सी इक्वल्स टू माइनस के समेशन एम आर साइन थीटा,
ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा इसका मतलब क्या है समेशन का, एम वन आर वन साइन थीटा वन प्लस एम टू आर टू साइन थीटा टू प्लस एम थ्री आर थ्री साइन थीटा थ्री, इसलिए एक ही बार इतना पूरा लिखना ना पड़े इसलिए हमने एक बार में लिख दिया। तो यहां से देखो ये जो वैल्यू आई यहां से हम क्या निकाल लेंगे, थीटा सी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको भी हम डील करेंगे ये। लेकिन सिस्टम क्या है, हमने स्टैटिकली बैलेंस्ड किया है। स्टैटिकली बैलेंस्ड में क्योंकि सेम प्लेन में जो थे फोर्स, जो इसके मासेस थे, जो भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे थे या अनबैलेंस्ड मासेस थे वो सेम प्लेन पे थे, तो इसलिए हमने इसको स्टैटिकली बैलेंस्ड करा और उसमें हमें सिर्फ फोर्सेस को ही डील करना पड़ा। नेट फोर्स हमने जो सिस्टम पे लगा के उसको जीरो करा जब हमने उसमें बैलेंस्ड फोर्स लगा दिया, जब हमने काउंटर वेट लगाया था उसके बाद ही हमने इसको क्या करा था, जब हमने इसमें एक एक काउंटर वेट लगा दिया, ये एम सी आर सी ये फोर्स काउंटर ऐड कर लिया तब ये नेट सिस्टम हमने जीरो करा। अगर हम ये काउंटर सिस्टम को ना ऐड करते तब तो उससे पहले तो फोर्सेस क्या मिला के क्या हो रहा था, अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे थे, तब समेशन एफ जीरो नहीं होगा। आई रिपीट कि जब तक हम ये फोर्स एम सी आर सी ओमेगा स्क्वायर वाला फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये सिस्टम क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा। तो इस टाइप की बैलेंसिंग को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक बैलेंसिंग कहते हैं, स्टैटिक बैलेंसिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें तो इतना ही था कि स्टैटिक बैलेंस्ड होता कैसे है। अगर आपसे कोई पूछे कि डायनेमिक बैलेंसिंग में क्या होता है, डायनेमिक बैलेंसिंग में, ठीक है, डायनेमिक बैलेंसिंग को अगर पढ़ें तो इसमें जो मासेस होंगे, जो मासेस हमारे रोटेट करेंगे, जैसे यहाँ पर एम वन था, एम टू था, एम थ्री था, ये सब सेम प्लेन में थे स्टैटिक बैलेंसिंग, तब तो स्टैटिक बैलेंसिंग से हमारा काम चल गया। ठीक है, क्यों कह दिया हमने कि जो सिस्टम था स्टैटिकली बैलेंस्ड हो गया। लेकिन अगर ये जो मासेस हैं डिफरेंट प्लेन्स में है, एक प्लेन पेपर के ऊपर है, एक प्लेन के पेपर के अंदर है, एक इधर की साइड है, तो अलग अलग अगर प्लेन में अगर आपके मासेस रिवॉल्व करेंगे या रोटेट करेंगे, ठीक है, और उनका कुछ ओमेगा होगा, ठीक है, तो इसमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स के साथ एक अनबैलेंस्ड कपल भी लगेगा, तो हमको एक बैलेंस्ड कपल भी लगाना पड़ेगा उस अनबैलेंस्ड कपल को काउंटर अटैक करने के लिए। तो उसको क्या कहेंगे, काउंटर एक्टिंग, हम उसमें क्या लगाएंगे, मोमेंट लगाएंगे, ठीक है, या कपल लगाएंगे। तो इस वजह से इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, डायनेमिक अनबैलेंस्ड कहेंगे। और इसको अगर जब हमें बैलेंसिंग करनी होगी तो उसको क्या कहेंगे, डायनेमिक बैलेंसिंग करनी होगी आपको इसकी, क्योंकि इसमें कुछ कपल भी लगता है, अनबैलेंस्ड फोर्स के साथ इसमें अनबैलेंस्ड कपल भी लगता है। ठीक है, तो इसमें हम दोनों चीज को डील करेंगे। छोटे से एग्जाम्पल से उसको देखते हैं, डायनेमिक बैलेंसिंग में हमें क्या करना होगा। जैसे मान लेते हैं कोई भी ये मास था, ये डिफरेंट प्लेन पे है, प्लेन के ऊपर है, इस तरह से है, ठीक है, और इसमें जो है रेडियस इसका, इसका मास m है, टॉपिक लिख लो डायनेमिक बैलेंसिंग, ठीक है, और इसका रेडियस है r, और ये कोई इस तरह से है, शाफ्ट रोटेट कर रही है, इसमें ये मासेस लग रखे हैं, ये मास था पहले, ये रेडियस आर है, और ये कितने स्पीड से घूम रही है, ओमेगा स्पीड से घूम रही है। अब देखो यार इसमें ये ओमेगा स्पीड से जैसे मैंने बता दिया ये घूम रही है। अब ये सिस्टम क्या है, देखो यहां से अगर अब ये रेडियस आर माने और कुछ भी अगर आप इसको देखें, ये सिस्टम इस टाइम पे क्या है, अगर डिफरेंट प्लेन पे है, अलग अलग प्लेन पे दूसरा मास भी लग रहा है इसमें, तो आपको क्या करना, इसको अनबैलेंस्ड मास बोल दो, अनबैलेंस्ड मास, ये अनबैलेंस्ड मास था और डिफरेंट प्लेन पे लग रहा है, तो आप इसको डायनेमिक बैलेंस कैसे करेंगे, जब आप इसके बैलेंसिंग मासेस लगाएंगे, ठीक है, बैलेंसिंग मास लगा रहे हो, कौन से प्लेन पे लगा रहे हैं, दूसरे प्लेन पे लगा रहे हैं, ये सेम प्लेन में नहीं है, अगर ये प्लेन के ऊपर है तो वो प्लेन के पेपर के अंदर की साइड है, ठीक है, इन टू द प्लेन है और आउट टू द प्लेन है, ठीक है, तो ये सब चीज अलग है, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं ये L1 है और ये डिस्टेंस कितना है L2 है, ये मास क्या है M1 मान लेते हैं, ये M2 मान लेते हैं, ये दोनों मास कौन से, M1 M2 कौन से हैं, बैलेंस्ड मासेस हमने इसमें लगाया, काउंटर काउंटर वेट्स भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, काउंटर वेट्स,
ठीक है, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक बैलेंस्ड कहेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया नेट फोर्स भी जीरो है, नेट फोर्स जीरो कैसे होगा, नेट फोर्स कैसे जीरो होगा, अब ऊपर की साइड कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसमें, ये वाला जो फोर्स लग रहा होगा इधर की साइड, ये इधर की साइड लग रहा होगा, बाहर की साइड लग रहा होगा इसमें, और ये वाले फोर्स इधर की साइड लग रहा होगा, इसका फोर्स इधर की साइड लग रहा होगा, ये डिस्टेंस आर वन है और ये डिस्टेंस कितना है आर टू है, इसमें फोर्स कितना लग रहा होगा, अगर आप देखें इसमें फोर्स कितना लग रहा होगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया डायनेमिक बैलेंसिंग में हमने बस एक चीज ऐड कर देनी है, नेट कपल भी हमने जीरो कर देना है। तो पहले तो नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स तभी जीरो होता है जब हम इसमें काउंटर वेट्स जो हमने ऐड करे हैं ना उनका भी फोर्स इसको कंसिडर करें, ठीक है। तो पहले तो अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सा था, ये किधर की साइड लग रहा है, ये ऊपर की साइड लग रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये ऊपर की साइड लग रहा है, और नीचे की साइड कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये नीचे की साइड लग रहा है एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर प्लस एम टू आर टू ओमेगा स्क्वायर, ये और कोई भी वेट भी हो सकता है, कितने भी मासेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर उतने ही आप ऐड करते रहें तो ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर भी एक इक्वेशन आ गई, एम आर इक्वल्स टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू, ठीक है, एक तो इक्वेशन हमारी ये बनी, ठीक है। और एक और इक्वेशन बनेगी, जैसे मैंने बताया नेट जो इसमें मोमेंट होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, बी पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए पॉइंट और इसको सी पॉइंट, तो बी पॉइंट पे आप नेट मोमेंट निकाल दीजिए, वो कितना होगा, एक तो इस फोर्स की वजह से उसका डिस्टेंस यहां से कितना आएगा एल वन, ठीक है, और एक इस वेट के लिए, इस वेट ये जो ये वाला जो मास है वो तो इसी लाइन से फॉलो कर रहा है, तो इसके लिए तो कोई भी कपल नहीं होगा, तो एक इस वाले के लिए होगा, एक इस वाले मास के लिए होगा, ठीक है। और ये वाला मास इसको कैसे घुमा रहा है, तो आप देख सकते हैं ये वाला एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और ये वाला मास अगर आप इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो क्लॉकवाइज होगा, दोनों अपोजिट है तो दोनों को बराबर बराबर लिख सकते हैं, कैसे, एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर इंटू एल वन इक्वल्स टू एम टू आर टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल टू, देखो ये तो फोर्स हो गया, कितना फोर्स होगा इनटू डिस्टेंस एल वन, इसी तरीके से कितना फोर्स होगा इसमें एम टू आर टू ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्टेंस कितना है एल टू है, तो दोनों को हमने ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से कितना गया एम वन आर वन एल वन इक्वल्स टू एम टू आर टू एल टू, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि हमने वहां पर बात करी थी समेशन एम आर जीरो था, यहां पर समेशन एम आर एल भी क्या है जीरो रहेगा, ठीक है। तो कपल की भी यहां पर बात आ गई यहां पर, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डायनेमिक बैलेंसिंग में हम इस तरीके से इसमें डील करेंगे। तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद, अगले लेक्चर में हम इसके कुछ डायनेमिक बैलेंसिंग और स्टैटिक बैलेंसिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, पिछले सालों में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग को देखेंगे, कैसे रेसिप्रोकेटिंग मासेस को बैलेंस करेंगे। तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।